पोटेंशियल अच्छा। बिल्कुल सही हाँ। बिल्कुल सही यही वो बहुत जरूरी हाँ। है बट करते कैसे? मतलब यही, यही नहीं, नहीं, हाँ, तो उसके तो लिए हमने क्या किया है हमने एक अपना इंटरनल जैसे हमारा एक अच्छा रिसोर्स है एम्प्लॉय, जो जिस टेक बैकग्राउंड से ही तो हमने एक अपना खुद का एल्गोरिदम भी डेवलप करा तो उस वो क्या बताएगा कि वो पूरा डेमोग्राफ का आपका एरिया का एनालिसिस करेगा किसी भी नई सिटीज में हम जाते हैं जैसे बॉम्बे एंट्री करी हमने तो हमें पता नहीं है कहाँ खोले हैं कैसा खोले क्योंकि हमें दो तीन एंगल देखने पड़ते हैं सबसे पहला तो कंज्यूमर बेस होना चाहिए जो ऑनलाइन डिलीवरीज कर होती हैं आज दो टाइप की मार्केट है एक होती है जहां पर वॉक इन्स ज्यादा होते हैं जैसे कि शॉपिंग मार्केट्स हो गए मॉल्स हो गए जैसे दिल्ली का कोई भी लगा लो जैसे मान लो चांदनी चौकी में अगर मैं एग्जाम्पल हाँ, देता हूँ तो सीपी तो वहाँ पे रहने वाले लोग तो कम हैं आके खाने वाले लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी ज़्यादा नहीं होएंगी बट वहाँ पे वैसे सील ज़्यादा हो जाती है कि लोग आ कस्टमर आकर तुम्हारे स्टोर पे आके खाता है तो हमारे लिए एक प्राइम ये था अभी हम क्लाउड किचन करेंगे तो ऑनलाइन डिलीवरी ज़्यादा होनी चाहिए दूसरा ए, क्योंकि यूनिट इकोनॉमिक्स को भी देखना पड़ता है कि हमारा रेंटल्स कितने हम अफोर्ड कर सकते हैं और तो ये दो तीन एक्सपेक्ट को देख के फिर हमने डेमोग्राफ एनालिसिस करा के वहाँ पे स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कितने हैं, अपार्टमेंट्स कितने हैं, इनकम क्या है लोगों की कोई टोल रोड तो नहीं है टोल तो नहीं है क्योंकि टोल बीच में आ तो वो वाला नहीं होगा okay. मान लो कि आ, वी एक 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 बीच में है, इधर एक एरिया, इधर एक एरिया। अगर हम खोलते हैं तो वो डेड हो गया तो, कितनी हो तो, तो ये सारे देखने पड़ते हैं और इसका एक बना के फिर हम ये सारा इनपुट पैरामीटर्स डालते हैं इसके रिसर्च करके और ये भी देखते हैं कि कंपीटिंग और और वहाँ पे जो ऑलरेडी ब्रांड्स हैं जैसे मान लो डोमिनोज जो सबसे बड़ा आज की डेट में चेन है इंडिया के अंदर तो वो वो जैसे हम देख लेते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बड़े जो चेन्स हैं वो कितने वहाँ पे प्रेजेंट है और उनकी कितनी ऑनलाइन डिलीवरीज होती हैं वो थोड़ा बहुत हमारे को डेटा हमें स्काउट करना पड़ता है तो वो मिल जाता है तो ये सारे पैरामीटर्स डाल के हमारे को एक स्कोरिंग मिलती है लोकेशन की हमारी बेंच है कि ये वाली स्कोरिंग है तो वो प्राइ वो ए ग्रेड का है कि वो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा बी है सी है डी डी ऐसा है कि जो हम सोच नहीं सकते नहीं। तो वो स्कोरिंग जैसे आते हैं में पता चल जाता है कि ये एरिया अच्छा है फिर हम क्या करते हैं फर्दर डीप डाउन करके उसका लॉन्ग आइडेंटिफाई कर लेते हैं लैटिट्यूड तो एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा हमें तो हमें टीम बस उसके सौ मीटर के रेडियस में वहां खोल देती है तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारा पहले दिन से ही हमें पता है कि हमारा स्कोप हमें वो टेंशन नहीं लेनी के ऑर्डर आएगा नहीं आएगा ऑर्डर उस एरिया में आ रहा है इन फैक्ट जब आ, हमारी टीम ने मिलकर एंड मतलब लाइक like आई आज हमारी टीम हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है तो जब हमारी कोर टीम ने एंड शिखर ने सब हम सब मिलकर जब ये अल्कोरिज्म बनाया और उसने हमें हेल्प किया इसको आइडेंटिफाई करने में हम ग्रो कर पाए अभी कुछ टाइम पहले हमारे पास ऐसी रियल कंपनीज हैं जो अब ये सब कर रही हैं बट उनका टूल क्या है ना स्टैंडर्डाइज नहीं है वो मतलब सॉरी कंसिस्टेंट टूल है सबके लिए है ये वाली एल्गोरिज्म हमारे लिए अपनी तो आई थिंक uh, एक बर्डिंग ऑन्टरप्रेन्योर के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ कहाँ पे वो अपने लूज एंड्स को ट्रिम करें जो चीज़ आप एक अच्छी टीम के साथ एक चैलेंजेस के टाइम में स्ट्रगल के टाइम में अगर आप खुद इन हाउस बना सकते हैं कर सकते हैं तो उसको लेवरेज करना चाहिए